एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिफीट कर सकते हैं। अभी तक जो जंग चल रही थी इंटरनल, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं अक्सर। इसे एक्सटर्नल की जगह हम ये भी कह सकते हैं, कुछ चीजें होती है मेंटल और ये चीजें हैं बाकी फिजिकल, बाकी की बॉडी पे अफेक्ट होती है। माइंड से हमारी जंग लड़ रहे थे, सुस्ती जो है माइंड का असल प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम सुस्ती जो है ना माइंड का प्रॉब्लम है, उसको हम माइंड लेवल पे डील कर रहे थे। लेकिन कुछ बॉडीली चीजें भी ड्रैग करती हैं, और उसमें एक चीज क्या है, फैटनेस, मोटापा। तो मोटापा अगर एक इंसान में है तो ही हैज अ टेंडेंसी टू बी लेजी, टेंडेंसी, उसको अपनी बॉडी मूव करने में टाइम लगेगा, तो वी शुड ट्राई टू ओवरकम इट। उसी तरह एक और प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग। एक इंसान खाने जब बैठता है तो इतना खा ले, ओवर ईटिंग करे, तो उसके बाद में एक्टिविटी करने की उसकी जो क्षमता, जो ताकत, जो एबिलिटी है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ओवर ईटिंग की वजह से लेजीनेस पैदा होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम ओवर ईटिंग के दलदल में ना पड़े। और आपको पता है ईटिंग के ताल्लुक से बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ैन कानत ला महालता, अगर खाना ही है, फ़थ्थुलुथु लित्तअामिही, वन थर्ड खाने के लिए, वस्थुलुथु लिशराबिही, वन थर्ड पानी के लिए, वस्थुलुथु लिनफ़खिही, एक तिहाई हवा के लिए। हाँ, एक तिहाई हवा के लिए, वी शुड फॉलो दिस रूल, एक तिहाई खाना, एक तिहाई पानी, एक तिहाई हवा। यानी कि आदमी लोग कहते हैं मैं तो जितना था फुल खा चुका हूँ, फिर उसके बाद में पानी, फिर उसके बाद में हवा के लिए बर्पिंग, हाँ डकार। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए, ओवर ईटिंग से हम सबको बचना चाहिए इंशाल्लाह, बिकॉज ये ओवर ईटिंग ड्रैग करती है एक इंसान को सुस्ती की तरफ। एक और चीज है, अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।